इसके साथ ही आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की यह बैठक होने वाली है जहां विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आपको बताते चलें कि यह बैठक 21 मार्च को होनी थी। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के कारण विधायक दल की बैठक का कार्यक्रम टाल दिया था। पार्टी कार्यालय में सुबह 10 बजे अखिलेश यादव पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की विधान परिषद में मौजूद सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने शपथ ग्रहण के मौके पर ये गिनवाना भी लाजमी समझा कि जिस स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है वो स्टेडियम समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, यानी कि उसका निर्माण अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए कराया गया था। जाहिर तौर पर शपथ ग्रहण समारोह के वक्त इस तरह की बयानबाजी शायद एक सस्ती राजनीति या एक सस्ते बयान के तौर पर देखी जा रही है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रजत सिन्हा। रजत, क्या यह मौका सही था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इतिहास के दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, वो शपथ ले रहे हैं, और ऐसे में अखिलेश यादव का यह गिनवाना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस स्टेडियम में शपथ ले रहे हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते उसका निर्माण करवाया गया था, क्या ये मौका था ऐसा कुछ गिनवाने का? देखिए, अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और ये कहा जा सकता है कि वो नेता विरोधी दल नेता प्रतिपक्ष भी आज बन जाएंगे, वो ऐसा बयान दे सकते हैं, क्यों करें। लेकिन मैं अगर कान्हा स्टेडियम के इतिहास की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि उसमें खाली योगदान समाजवादी पार्टी सरकार का ही नहीं रहा है। 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है उस समय इस इकाना स्टेडियम की जमीन को दिया जाता है बसपा सरकार की तरफ से, और एक स्टेडियम का निर्माण की बात कही जाती है और निर्माण कार्य शुरू भी होता है, तब तक हालांकि उसका कोई नामकरण नहीं हुआ था। 2012 में सरकार बदल जाती है, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है और तब भी इस स्टेडियम का निर्माण कार्य जारी रहता है। हालांकि ये बात सही है कि ये स्टेडियम बनकर तैयार होता है 2017 में, और तब एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बदलती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कहना तो किस परिपेक्ष में कहा होगा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने, लेकिन ये बात जरूर है कि इस स्टेडियम के निर्माण कार्य में तीनों सरकारों का योगदान है, चाहे वो बसपा सरकार रही हो, चाहे अखिलेश सरकार रही हो, या वर्तमान की भाजपा सरकार जो दोबारा रिपीट हुई है। हालांकि अगर मैं आज की बात करूं तो आज समाजवादी पार्टी की बैठक है, नवनिर्वाचित विधायकों की समाजवादी पार्टी कार्यालय में बुलाई गई है, और जिस तरीके से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी लोकसभा सदस्यता जो आजमगढ़ थे उसे इस्तीफा दे दिया है और वर्तमान में वो मैनपुरी की करहल सीट से विधायक हैं, तो आज जब नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होनी है तो इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें समाजवादी पार्टी विधायकों दल का नेता चुना जाएगा, और अगर नेता चुना जाता है तो निश्चित तौर पर वो नेता प्रतिपक्ष भी। जी 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 रजत, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।